जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। तो देखो भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज थी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मैंने आपको 100% कंप्लीट करवा दिए, यस और नो। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स करवाए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब बच क्या गई है दोस्तों, बच वो वाली एक्टिविटी गई है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। सर कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने ये लास्ट के लिए क्यों छोड़ी है सर? अरे मज़ा तो एंड में ही आता है ना, यस और नो। अगर सबसे बढ़िया एक्टिविटी एंड में हो जाए, ओहो मज़ा ही आ जाएगा। अब आपको इन्वेस्टिंग पता है, हाँ आपको फाइनेंसिंग पता है, अब वो दोनों एक्टिविटीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके कॉन्सेप्ट्स है, आपको हेल्प करेंगे ऑपरेटिंग को समझने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ये हमने पहले पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या होती है। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कही थी यार, देखो इसका एक सिंपल सा थंब रूल है, जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग है। लेकिन ये तो गलत बात है, ये सर सर ऐसे थोड़ी समझेंगे कि जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है। कहने की बात तो यही है कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आता वो ऑपरेटिंग में आता है। अब थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, सर ऑपरेटिंग में क्या आता है? ऑपरेटिंग में आएगा जो बेटा आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। क्या बोला मैंने? कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे कनेक्टेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी। अगर मेरा काम चाय बेचने का है, क्या है सर? चाय बेचने का। तो इसका मतलब जो भाई जो भी चाय बनाने का रॉ मटेरियल होता है उसको खरीदना, उसको बनाना, हाँ या ना, उसको बेचना, जिस शॉप में मैं बेच रहा हूँ वो शॉप के एक्सपेंसेस, हाँ सर हाँ, कोई मार्केटिंग करी है तो मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, जो भी मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, राइट, किसके लिए? चाय बेचने के लिए। किसके लिए? चाय बेचने के लिए। क्या वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे? हाँ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है ना यार, क्या मतलब है? वो सारी एक्टिविटीज़, जो सारी एक्टिविटीज़ मेरे मेन बिजनेस से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात करूं, इन्वेस्टिंग में मैं क्या कर रहा था? मशीनरी खरीद और बेच रहा था। क्या मेरा मेन बिजनेस मशीनरी खरीदने बेचने का था? नहीं सर, वो नहीं था, इसलिए वो ऑपरेटिंग में नहीं आया। फाइनेंसिंग में क्या हो रहा था सर? कि मैं शेयर्स को इशू कर रहा था, डिबेंचर्स को इशू कर रहा था। क्या मेरा मेन काम वो करना है? सर वो काम करना नहीं है, राइट। तो इसलिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जो नहीं आता वो कहाँ आता है? ऑपरेटिंग में आता है। अब बात यह है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कैश फ्लो निकालेंगे कैसे? तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, और उसका मेन रीज़न क्या है कि वो कोशिश करते हैं कि याद कर लें कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ऐसे ऐसे प्लस माइनस। बेटा याद तो आप कर ही नहीं सकते, इसको जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप याद नहीं कर पाओगे। हाँ कुछ होंगे जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी वो कर लेंगे, मेरे जैसे बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद नहीं कर सकते हैं, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों की नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ फटाफट से, पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, कैश फ्लो निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से दो तरीके हैं। सर दो तरीके कौन से? एक है बेटा आपका डायरेक्ट मेथड, अच्छा एक है आपका डायरेक्ट मेथड, यस सर यस, और बेटा एक आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बेटा, एक आपका क्या आएगा? इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट सिंपल होता है, जैसे सर हमने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में पढ़ा कि जो पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो, जो पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दो, है ना, इनफ्लो आउटफ्लो सिंपल सी बात है। तो हमारे ऑपरेटिंग में भी एक डायरेक्ट मेथड होता है कि मान लो अगर मैंने सेल करी है, कैश सेल करी है, पैसा आया ऑपरेटिंग में, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी है, आउटफ्लो हो गया माइनस। ये सर क्या डायरेक्ट मेथड? ये आपके सिलेबस में नहीं है सर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आसान है ना, आसान चीज़ें थोड़ी कराएंगे आपको, राइट। तो डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है सर। इनडायरेक्ट मतलब ना ना ना, डायरेक्ट से नहीं, उल्टा फुलटा कुछ करके निकालो। अच्छा ठीक है, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है। अब उन्होंने सोचा इनडायरेक्ट कैसे निकाले सर, तो उनको याद आया कि यार देखो कैश फ्लो से सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस का, कि भाई अगर मैं बोलता हूं, आज मैं बोलता हूं कि सुनो सुनो मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमाता हूं, क्या बोलता हूं मैं? अरे ये एग्जांपल है, ठीक है क्या बोलता हूं मैं कि अगर मैं बोलूं कि भाई मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमाता हूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कि भाई इसके पास हर महीने 1,00,000 रुपए का कैश या बैंक बैलेंस होता होगा। यही बात है ना कि भाई इसके पास 1,00,000 रुपए का कैश होता होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला मैं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं, और आपने क्या सोच लिया कि भाई इसके बैंक में तो कितने सारे पैसे होंगे, यही सोचते हैं ना। हाँ यही सोचते हैं। तो भाई इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट का यूज करेंगे, जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसका यूज करके कैश फ्लो तक पहुंचेंगे। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा कैश फ्लो से इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी सीखेंगे आराम से। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं सर, 11th में ना हमने सीखा था कुछ,
इलेवेंथ तो सर मत पूछो बस, ठीक है। देखो इलेवेंथ में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज़ सीखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, कभी पढ़ने का मन करे तो जाके देखना बेटा इलेवेंथ की प्लेलिस्ट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ सर हाँ, ये हमने सुना सुना था सर, सीखा तो नहीं था। अच्छा ध्यान से देखो, आपको बनाने के लिए नहीं आएगा बेटा, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, तो इसमें बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे आपका आ गया क्या सर, टू ओपनिंग स्टॉक। अरे दो मिनट आराम से शांति से बैठो ना बेटा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये आपका परचेजेस, इसके बाद आपको ऑपरेटिंग में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, अरे थोड़ा बहुत तो याद होगा है ना, रेशियोज के टाइम भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ाया था, बिल्कुल। यहाँ आपने लिखी बाय सेल्स, ऑल राइट, क्या लिखी बाय सेल्स, और यहाँ लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये होता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता था सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या निकालता था सर, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, यस सर यस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होता था, मान लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस भी आता था, ग्रॉस प्रॉफिट भी आता था सर, बिल्कुल। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट हम नीचे ब्रॉड डाउन करते थे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता था, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता था। बेटा ये आपके पास बनाने के लिए नहीं आएगा, मैं बस आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करते थे, ब्रॉड डाउन करते थे, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता था, और यहाँ पे हम क्या क्या लिखते थे, देखो ध्यान से सर, यहाँ हम लिखते थे बाकी के एक्सपेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, हाँ सर हाँ, यस सर नो, चाय बेचने वाले एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही सर। जैसे कि देखो, आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड नहीं है, चाय बेचने से कनेक्टेड नहीं है, चाय बनाने से कनेक्टेड नहीं है सर, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सर आपने एजेंट रखे हुए हैं, जाओ जाओ चाय बेचो, है ना, उनको सैलरी दे रहे हो, आपका जो दुकान है ना, जो शॉप है उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग का खर्चा हो गया, बिल्कुल, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं, है ना, बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत समझना है, ये मैंने आपको रेशियोज के टाइम समझाया था, ऑपरेटिंग रेशियो के टाइम पे, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ सर हाँ। अगर कोई और ऑपरेटिंग इनकम भी है तो वो आएगी, जनरली नहीं होती है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, हाँ सर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसमें से जब मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता था तो मेरा आता था दोस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस सर यस, है ना, यही होता था। ये मैंने आपको रेशियोज के टाइम समझाया था, जब हमने ऑपरेटिंग रेशियो करी थी, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, हाँ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपने निकाल लिया, इसको मैं हटा रहा हूं यहां पे, फिर बेटा कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते थे, क्या होते थे सर, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ऑपरेटिंग नहीं होते, वाह वाह सर वाह भाई, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, जो ऑपरेटिंग नहीं होते। अब ऑपरेटिंग कौन से नहीं होते, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होते हैं, बोलो हाँ या ना भाई। देखो तीन ही एक्सपेंसेस, तीन ही एक्टिविटी है, या तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, अगर वो ऑपरेटिंग नहीं है तो इसका मतलब वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो गए ना दोस्त, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया तो खर्चा है या नहीं है, हाँ खर्चा तो है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आएगा, बिल्कुल सही है। अगर एसेट को बेचा और उससे लॉस हो गया तो क्या वो भी आएगा, हाँ सर वो तो इन्वेस्टिंग है लेकिन फिर भी आता है, यस और नो, क्या वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएगा, हाँ सर हाँ बिल्कुल आ जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, यस सर यस। सर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, हाँ बेटा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती सर, जैसे कि, अरे सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, जो ऑपरेटिंग नहीं है सर, जो ऑपरेटिंग नहीं है, एग्जांपल बताओ ना बेटा, आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे आपको इंटरेस्ट मिला, ये सुनो, आपने सर इन्वेस्टमेंट करी थी आपको उससे इंटरेस्ट मिला, आपने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, डिविडेंड मिला, क्या वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ सर है सर, बिल्कुल लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया सर, ठीक है ठीक है, ये हमने लिख दिया, हाँ सर ये हमने लिख दिया, ये बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा अच्छा सुनो 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 सर, ये सब तो हो गया, हाँ बेटा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी होते हैं सर, मतलब बेटा जो ऑर्डिनरी नहीं है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, जैसे कि मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, आग लग गई सर, क्या लग गई, आग लग गई। अब आग लगने से मशीन भी जल सकती है, आपका स्टॉक भी जल सकता है, जल सकता है या नहीं जल सकता, हाँ सर बिल्कुल जल सकता है भाई, आग लग गई तो मशीन भी जल सकती है, स्टॉक भी जल सकता है,
ये क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा लॉस हुआ या नहीं हुआ, चोरी हो गई, आग लग गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज है? हाँ सर हाँ। तो आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज होते हैं वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे भाई। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में सब आएगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके लॉसेज हैं, वो सब आएंगे। यस नो? हाँ सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। कैसे बेटा? अब अगर आग लगी है तो क्या इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है? हाँ सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ नहीं आ रहा बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? खुद सोचो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो आपके नॉर्मल नेचर का नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो स्टॉक जल गया। क्या जल गया सर? स्टॉक। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड, ठीक है? सुनो सर, अगर आपका स्टॉक जल गया है तो क्या जो स्टॉक जला है, स्टॉक इन्वेंट्री, क्या वो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड था? सोचो आराम से भाई। इन्वेंट्री जल गया, क्या वो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड था? हाँ। तो बेटा क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भाई। देखो मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो सब एक्टिविटी जो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है। बेटा अगर स्टॉक जला है तो स्टॉक का जलना क्या मेन एक्टिविटी नहीं है? मेन बिजनेस से कनेक्शन नहीं है उसका? खुद सोचो। अगर भाई गोडाउन में आग लग गई, स्टॉक जल गया, तो आप क्या बोल रहे हो कि उसका इंपैक्ट आपके मेन बिजनेस में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। लेकिन क्या वो ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ? क्या वो ऑर्डिनरी नुकसान हुआ क्या? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये नॉर्मली नहीं होता है लेकिन हुआ तो है ना? हाँ सर हुआ तो है, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब अगर भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, इसके अगेंस्ट में कोई पैसा मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। हाँ। अब इसके बाद सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा आता है उसको मैं बोलता हूं टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से सुन लो बेटा, क्या बोलता हूं? टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो लॉस भी हो सकता है, यहां पे मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूं। टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि भाई ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, अभी मैंने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया। क्या माइनस नहीं किया? टैक्स माइनस नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर? अब इसमें से टैक्स को माइनस करूंगा। ऑफकोर्स टैक्स का जो एक्सपेंस होता है, टैक्स की कहानी सुनेंगे बेटा हम, अभी टैक्स की कहानी आराम से सुनेंगे। मैंने क्या बोला कि जो आपका टैक्स का एक्सपेंस होता है वो माइनस होगा। तो जो आपको लगता है, क्या लगता है, जो इस बार का आपका टैक्स बनेगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स मैं आपको बताऊंगा बेटा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, कि भाई ये प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त मेरा नेट प्रॉफिट। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? दिस इज माई नेट प्रॉफिट। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये सुनो सर, ये एग्जाम में आएगा? अरे नहीं बेटा, आपको पता है ना मेरी आदत कि भाई मैं आपको एक एक चीज का लॉजिक समझाऊंगा, तो बस वो लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें आपकी क्या हो गई सर? ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग इनकम सब आएगी। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग भी आई है। ऑफकोर्स नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आई है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आई है। हाँ सर हाँ। टैक्स भी आया, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आया। अब आपको क्या बोला गया? आपको इनडायरेक्ट तरीके से कैश का फ्लो निकालना है। अब मेरी बात सुनो ना ध्यान से बेटा। अरे आप मेरी बात सुनोगे क्या? हाँ। अगर बेटा आपको ये नेट प्रॉफिट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? नेट प्रॉफिट। हाँ। और आपको बोला जाए कि चलो चलो ये मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट है, मुझे बताओ मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है। आप समझ रहे हो कि भाई आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है। तो पहले आप सोचो बेटा इस नेट प्रॉफिट में कितना कुछ मिला हुआ है जो ऑपरेटिंग नहीं है। सर क्या बोला आपने? मैंने बोला मुझे क्या निकालना है सर? देखो अगर मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ओके राइट, ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगर मुझे ये निकालना है बेटा, अगर मुझे ये निकालना है तो भाई मेरे को यहां पे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। हाँ, तो मतलब मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो नहीं चाहिए। हाँ सर हाँ। इसका मतलब मुझे यहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बात सुनो, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो बेटा, ये नेट प्रॉफिट में तो सब कुछ मिला हुआ है बेटा, ये तो मिलावटी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चुन चुन के जो नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स है ना उसको निकालना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो? हाँ सर हाँ। फिर मुझे क्या निकालना है? कैश का फ्लो निकालना है। क्या निकालना है सर? कैश का फ्लो। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है क्या इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कैश का कोई फ्लो नहीं होगा? सर जैसे बेटा डेप्रिसिएशन, आप खुद सोचो। अब डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे माइनस किया होगा, एक्सपेंस है। हाँ।
लेकिन क्या डेप्रिसिएशन में कोई कैश का फ्लो होता है क्या? सर नहीं होता है, बात समझ रहे हो? तो यहां पे मुझे एक तो कैश का फ्लो निकालना है और ऑपरेटिंग से निकालना है, और किसकी हेल्प से निकालना है? नेट प्रॉफिट की हेल्प से निकालना है। ये तो मैंने अब आपको बेसिक समझाया है कि भाई मुझे क्या करना है, अब कैसे करना है उसकी कहानी समझ ले। सर 15 मिनट से आपने बस बकवास करी है बेटा। मैंने कोई बकवास नहीं करी है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है बेटा, ठीक है, मुझे रिसेंटली कुछ बच्चों के मैसेज मिले हैं कि सर आप बेकार में इतना डिटेल में पढ़ाते हो, इतने डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर आपको नहीं पढ़ना है तो किसने बोला है आपको? बहुत सारे चैनल्स है ना, है ना भाई। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको एक एक चीज बतानी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है सर, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है? यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज चीजें सिखाने वाला हूँ। स्टेप नंबर वन, ओके, मुझे कहाँ से शुरू करना है बेटा? सबसे पहले मुझे क्या, कौन सा आइटम चाहिए? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा सर, अब इसका क्या मतलब है समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर मैं शुरू कहाँ से करूंगा, ये मेरा स्टेप नंबर वन है कि भाई मुझे शुरू कहां से करना है। शुरू करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे वो वाला नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें मैंने टैक्स माइनस नहीं करा हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी माइनस या प्लस नहीं करे हुए। सर ऐसा क्यों है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, जो टैक्स है इसमें आपका कैश का फ्लो होगा? हाँ होगा, मैं मना नहीं कर रहा, कैश का फ्लो होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में कैश का फ्लो हो सकता है? हो सकता है। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ना एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, और फॉर्मेट किसने दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने आपको एक फॉर्मेट दिया है। और पहले फॉर्मेट पे उसने क्या बोला है, पहले स्टेप में बोला कि हमें ये चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक जो मैं समझ सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला वो क्या बोल रहा है कि यार देखो, पहले तो मुझे पता क्या चाहिए, मुझे बस वो बताओ कि मेरे ऑपरेटिंग जो मेन ऑपरेशंस हैं उससे कितना कैश का फ्लो हो रहा है। अगर आपको पता हो टैक्स हमेशा एंड में दिखाते हैं सर, जो टैक्स होता है उसका इफेक्ट हमेशा एंड में दिखाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि यार टैक्स का इफेक्ट ना हम एंड में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाना। अगर आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल देखा हो आपने, तो मुझे, मैंने टैक्स का इफेक्ट बिल्कुल एंड में दिखाया, तो एंड में ही दिखाना होता है। टैक्स का इफेक्ट कब दिखाएंगे? एंड में। तो मैंने क्या बोला, टैक्स का इफेक्ट पहले हटाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मैं अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं। अरे पहले मुझे ये तो बताने दो अपने यूजर्स को, आप कैश फ्लो अपने यूजर्स को दिखाओगे? हाँ, अरे कम से कम पहले मैं उनको ये तो बता पाऊं कि देखो भाई हमारे ऑर्डिनरी जो हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनसे इतना कैश फ्लो होता है। तो आप ऐसा करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी हटा दो। अब बात समझ रहे हो? सर इसको निकालेंगे कैसे? अब मेरी बात सुनो, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत आसान है। आपको गिवन है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का मतलब सब कुछ माइनस हो चुका है। हाँ सर, सब कुछ माइनस हो चुका है, ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपने आपने क्या किया था बेटा, जो आपका करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस है ये लेस किया था आपने, करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस लेस किया था। तो ये बोल रहा है ऐसा करो बेटा, इसको पहले ऐड करो, मुझे इसका इफेक्ट हटाना है ना। हाँ, तो मैंने माइनस कर रखा है। अब बेटा मेरे को उल्टा चलना है, मैं पहले ऐसे चल के आया हूं, अच्छा अब मेरे को उल्टा चलना है, बात समझ रहे हो? यस और नो, ठीक है। तो ऐड ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ये क्या है सर, करंट ईयर का एक्सपेंस, जो मेरा करंट ईयर का क्या है, करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस है, ठीक है सर, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होता है कि आपको टैक्स का रिफंड मिलता है। सर क्या मिलता है? टैक्स का रिफंड मिलता है, मतलब आपने कभी पहले टैक्स फालतू पे कर दिया होगा। देखो टैक्स की वर्किंग बहुत अलग होती है, इनकम टैक्स एक्ट है हमारा 1961, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होती है। तो मान लो आपने गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो उसका आपको रिफंड मिलता है। हाँ, अब जो रिफंड बेटा आपको मिलता है, जो रिफंड मिलता है वो आपके लिए इनकम है। अरे भाई आपने खर्चा जो रिकॉर्ड किया था, अब वो उसमें से कुछ पैसे वापस आ रहे हैं, तो इनकम होती है। तो आप यहां पे लिखते हो बाय रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, क्या लिखते हो, बाय रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, सही बात है, बात समझ रहे हो? यस सर, यस। तो आपने अगर अगर आपने रिफंड अपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, इनकम है ना प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, तो भाई अगर कोई रिफंड भी ऐड कर रखा है तो हटाओ, क्योंकि मैं यहां पे टैक्स का कोई भी इफेक्ट लेना ही नहीं चाहता। एंड में दिखाऊंगा, कहां दिखाऊंगा, एंड में। तो अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, क्या मिला है, इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, तो बेटा उसको हटाओ, अच्छा ठीक है। तो लेस कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट में ऐड किया था, अब मैं उल्टा चल रहा हूं, तो लेस कर दिया। हाँ सर, लेस कर दिया।
तो मैंने टैक्स का तो इफेक्ट हटा दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए। सर क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का आपने इफेक्ट ले रखा है। क्या ले रखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई इफेक्ट ले रखा है। मतलब सर जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का मतलब क्या होता है सर? एग्जाम्पल बताओ बेटा, मैं आपको यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, वही होते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल बता दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे सर आपकी क्या हो गया? लॉस बाय फायर। सर अगर फायर लग गई, आग लग गई। हाँ एक और एग्जाम्पल होता है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपने कॉम्पेंसेशन पे करिए अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ध्यान से सुन लो, एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अंडर VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अब इसका मतलब क्या है? जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैंने ये गुडविल के टाइम पे समझाया था। सर इसका मतलब ये होता है आपका बिजनेस ढंग से चल नहीं रहा है। अच्छा, अब आप चाहते हो कुछ एम्प्लॉयज आपके बिजनेस से रिटायर हो जाए, परमानेंटली रिटायर करना चाहते हो उनको। अच्छा ठीक है, निकाल नहीं रहे बेटा, आप कंपनी अच्छी हो, अच्छी कंपनी हो, तो उन्होंने क्या बोला, आपने क्या बोला कि यार सुनो हम आपकी सैलरी अब ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाएंगे, अच्छा होगा अब आप रिटायर हो जाओ। क्या हो जाओ? रिटायर हो जाओ। तो आप उनको वॉलेंट्री रिटायर कर रहे हो, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अच्छा ठीक है, तो आप खुद से उनको कह रहे हो कि प्लीज रिटायर हो जाओ, उसके लिए आप उनको कॉम्पेंसेशन पे करते हो। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये है तो आपके बिजनेस से कनेक्टेड, लेकिन क्या ऑर्डिनरी है? नॉर्मली होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, नॉर्मली नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, खर्चे माइनस होते हैं, तो उसको ऐड कर दो। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और लॉसेस। हाँ सर बात समझ में आ रही है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में नॉर्मली एक ही चीज आती है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है। ठीक है भाई, कोई नुकसान हो गया था, आग वग लग गई, कुछ भी हो गया और उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो वो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है। लेस कर दिया हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। अब देखो मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या किया बेटा? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने अभी क्या किया? टैक्स का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाया है। क्या किया मेरे दोस्त? मैंने अभी टैक्स का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था, अब मेरा ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ, तो कुछ बच्चे सोचेंगे हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो ये मेरा पहला स्टेप होता है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आसान है, ट्रस्ट मी बेटा। अगर आप समझने के लिए तैयार हो, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाता रहूंगा, ये सुनो। लेकिन अगर आप याद करने के लिए ही बैठे हो तो बेटा याद कराने वाला काम अपना तो नहीं है, राइट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका आ गया पहला स्टेप। सर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए तो मजा आ जाएगा। सर क्या हो जाए? कुछ अगर एग्जाम्पल्स आप बता सको तो मजा आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखो फटाफट से, ऑलराइट फटाफट से एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। देखो 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 एग्जाम्पल में क्या है, राइट? हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ जी, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो टैक्स का इफेक्ट आप ऑलरेडी ले चुके हो। हाँ जी ले चुके हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का भी ले चुके हो। हाँ, अब आराम से पढ़ते हैं। सर आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, करेक्ट? यस सर, यस। ठीक है सर, कितना गिवन है? 1 लाख रुपीज का गिवन है आपको, ये 1 लाख रुपीज का गिवन है, यस सर। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्त? हमको टैक्स का इफेक्ट हटाना है। सबसे पहले टैक्स की बात करें तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है? इस साल का टैक्स का एक्सपेंस। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो मेरा इस साल का टैक्स का एक्सपेंस है, जो मैंने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा। करंट ईयर का, हाँ जी करंट ईयर का कितना हो गया? मैंने ऐड कर दिया बेटा 20,000। अब यहाँ पे आपको रिफंड ऑफ टैक्स भी गिवन है 5,000 का। हाँ तो बेटा क्या मैं यहाँ पे रिफंड भी लिख दूँ? लेस रिफंड ऑफ टैक्स। तो टैक्स का मेरा पूरा का पूरा इफेक्ट हट जाएगा। जो चीज़ मैंने प्लस कर रखी थी वो मैं माइनस कर रहा हूँ, और जो माइनस कर रखी थी वो मैंने प्लस कर दी। रिफंड ऑफ टैक्स सर कितना? 5,000 लेस कर दिया। अब देखते हैं और आपको क्या क्या गिवन है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ओहो हो भूकंप आ गया भाई। सर भूकंप आ गया और नुकसान हो गया,
अब लॉस हो गया, हाँ सर लॉस हो गया, तो भाई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होगा, प्रॉफिट में से कम किया होगा, हाँ सर 1 लाख रुपीज का हुआ है तो प्रॉफिट को कम किया होगा, तो क्या कर देंगे उसका इफेक्ट हटाने के लिए ऐड कर देंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ऑल राइट ऑल राइट। सर कितना आ गया हमारा, ये आ चुका है बेटा 20,000 रुपीज। ओके डन 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 डन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको बोला है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अब आपने बेटे बेसिकली क्या कर रखा था, बेसिकली आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, भूकंप आया इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और आपको क्या मिला है 20,000 रुपीज का क्या मिल गया। अरे वेट वेट वेट, ये 1 लाख रुपीज है, सॉरी। अच्छा, ये 1 लाख है और इंश्योरेंस क्लेम आपका 20,000 है, माई मिस्टेक। 1 लाख रुपीज का आपका क्या है लॉस और आपको इसमें से 20,000 का क्लेम मिल गया लेस इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो भाई प्रॉफिट में क्रेडिट किया होगा, प्रॉफिट में ऐड किया होगा ना भाई। देखो 1 लाख का नुकसान हुआ तो प्रॉफिट को कम कर दिया था, हाँ। अब भाई 1 लाख में से अगर 20,000 रुपये मिल गए हैं तो ऑफकोर्स मैं इसको प्रॉफिट में ऐड ही करूंगा ना। तो अब मैंने क्या किया, उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसको हटा दिया, इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर दिया, कितना 20,000 बस। हाँ भाई तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना ही करना है। तो 1 लाख प्लस 20, 120, 2 लाख 20, 2 लाख 20 में से हम अगर 25 माइनस करेंगे तो 1,95,000 जो मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बोलो हाँ यार, ये मेरा आ गया, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो मुझे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला आइटम चाहिए वो मैंने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ अब बेटा इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है, क्या सर? देखो अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, अभी आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन था, हाँ या ना। अब कई बार आपको ये गिवन नहीं होगा, सर क्यों, आ जाओ सर बात करते हैं, आ जाओ। कई बार बेटा आपको गिवन होगा सरप्लस का बैलेंस, क्या बोला मैंने, बैलेंस इन सरप्लस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से मेरी बात सुनो, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बैलेंस इन सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, ये बेटा क्या है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये मैंने क्या बनाया एक फ्लैग कि भाई हमने क्या कर लिया है, हमने एक झंडा गाड़ दिया किस चीज़ का, नेट प्रॉफिट का। ओके ये आपका नेट प्रॉफिट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस ने निकाला, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ PNL, ठीक है। अब क्या होता है बेटा इसके बाद इसका क्या होगा, सर ये आपने निकाल लिया इसका होगा क्या, ये सोचो। अब बेटा इसका क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो सर ये जा रहा है, ये रास्ते में जा रहा है, हाँ सर हाँ रास्ते में जा रहा है, हाँ सर ये देखो आराम से मजे में जा रहा है और बेटा बीच में रुक गया है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाया, अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो क्या इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे आप बताओ, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। सर इसका मतलब आप प्रॉफिट में से क्या डिविडेंड दोगे, हाँ सर हाँ बिल्कुल देंगे। क्या आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। सर प्रॉफिट अगर कमाया है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, हाँ चलो भाई चलो यहाँ पे ये रुक गया था, ठीक है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो आपका था थोड़ा सा आपने डिविडेंड में बांट दिया। अब ये फिर इसकी गाड़ी चल गई बेटा, गाड़ी चल गई, ओहो, और फिर ये रुक गया, एक और स्टॉप आ गया बेटा, हाँ। अब क्या हुआ, कंपनी ने सोचा कि यार सुनो अरे बेटा सुनो ध्यान से सुनो ना, कि भाई ऐसा करो रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर दो। सर मतलब आपको पता है ना जनरल रिजर्व्स वगैरह बनता है, हाँ सर बनता तो है, ऐसा करो रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दो कुछ पैसे, हाँ भाई फ्यूचर में काम आएंगे, बिल्कुल सही बात है। सर इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से आपने कुछ अमाउंट डिविडेंड में दे दिया, कुछ आपने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व्स में, हाँ सर अब कहाँ रुकेगा ये, अब देखो सर अब ये पहुंच गया सर इसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो क्या है सरप्लस। ओ अब जो पैसा आपके पास बच गया है, जो पैसा आपके पास बच गया है अब ये तो कंपनी के पास ही है, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट कंपनी ने इकट्ठा कर रखा है, ना तो उन्होंने किसी को बांटा ना ही किसी के रिजर्व में डाला। मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो अब कंपनी ने अपनी गुल्लक में इकट्ठा कर रखा है। अरे बेटा आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, अब वो पॉकेट मनी मान लो यहाँ पे क्या है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कंपनी ने पैसा कमाया और आपकी पॉकेट मनी जो आपने कमाया, इसमें से आप कुछ पैसे खर्च करते हो, हाँ सर हाँ कुछ, कभी आइसक्रीम खा ली है ना, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो सब कर लिया, हाँ। उसके बाद जो बच जाता है वो आपका बच गया, आपने उसकी सेविंग्स कर ली है, अपने पास रख लिया, हाँ सर हाँ कभी और खर्च करेंगे, बिल्कुल सही, ऐसा ही कंपनी करती है।
कि कंपनी ने जो पैसा कमाया उसमें से एक तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा डिविडेंड, हाँ सर डिविडेंड मिलेगा, वो आपने बांट दिया, कुछ आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना था तो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और जो बच गया वो आपके सरप्लस का पार्ट बन जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। कई बार बेटा वो क्या करेंगे, कई बार आपको आपको क्या देंगे, सरप्लस का बैलेंस देंगे। क्या देंगे सर? सरप्लस का बैलेंस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर 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 मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस का दे दूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, सर मतलब अरे रुको ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस मतलब ईयर के एंड का बैलेंस, मान लो कितना है 1 लाख रुपीज, ओके। और मैं आपको दे दूं ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना सरप्लस था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो मुझे एक बात बताओगे आप, मुझे एक बात बताओगे, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, तो मुझे बताओ इस साल ये मेरा कितना है। मान लो बेटा ये मेरा 20,000 रुपीज है, ठीक है। इस साल मैंने अपने प्रॉफिट में से सरप्लस में कितना ट्रांसफर किया है? दोबारा सर, दोबारा 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 सुनो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं ईयर के एंड में जो मेरे पास पूरा पैसा इकट्ठा हुआ हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, वो 1 लाख रुपए है। मेरी गुल्लक में ईयर के एंड में 1 लाख रुपए है, लेकिन ईयर के स्टार्टिंग में 20,000 रुपए थे। तो बेटा मैंने इस साल अपने सरप्लस में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? सर ये क्या क्या आप सिंपल सिंपल बातें पूछ रहे हो? सर 80,000, सिंपल सी बात है। हाँ, इसका मतलब इस साल आपने 80,000 ट्रांसफर किया है। हाँ, ये बात सबको समझ में आती है? यस सर, यस। कि मैंने इस साल अपने नेट प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड दिया, हाँ दिया, रिजर्व में ट्रांसफर किया, हाँ, उसके बाद 80,000 जो बच गया वो मेरे सरप्लस का पार्ट बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, मुझे तो ये निकालना है। बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि जो ये मेरा सरप्लस में मैंने पैसा डाला है, अब मैं मारूंगा यू टर्न। अरे पहले मुझे नेट प्रॉफिट पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको बेटा सरप्लस गिवन है तो इसके मतलब गाड़ी बहुत आगे पहुंच गई है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर आप यहां खड़े हो, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। हाँ सर हाँ, हमने अगर पिछला क्वेश्चन देखा हो आपने, आपको पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया था। हाँ मान लो ये अभी मैं कहां खड़ा हूं, मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे खड़ा हूं। हाँ तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 2 स्टेप पीछे लिए। क्यों सर? एक तो मैंने टैक्स का इफेक्ट हटाया, हाँ सर हाँ, और एक मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाया, तब जाके मैं कहां पहुंचा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे। अब बेटा मैं यहां नहीं खड़ा हूं, अब तो मैं 1 स्टेप और आगे गया हूं। सर कैसे? अब तो बेटा आप 1 स्टेप और आगे चले गए, आप तो इसके भी आगे चले गए और सरप्लस में चले गए। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर हाँ। तो पहले मेरे को यू टर्न मारना पड़ेगा, हाँ, और कहाँ पहुंचना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल में पहुंचना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने जो ये 80,000 निकाला, ये कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट है जो आपने इस साल सरप्लस में डाला है। तो क्या मुझे पहले इस 80,000 में से डिविडेंड और आपका रिजर्व, इसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं नेट प्रॉफिट पे पहुंचूंगा। बस बात इतनी सी है मेरे दोस्त, बात इतनी सी है कि अभी तक जो हमने समझा था वहां पे मुझे ये फिगर गिवन होती थी। बोलो हाँ या ना? सर अभी जो मैंने आपको समझाया इससे पहले वहां पे आपको ये फिगर गिवन थी, तो बस आपने क्या किया, आपने इसमें से टैक्स का इफेक्ट हटाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाया और आप अपने स्टेप नंबर 1 पे पहुंच गए। लेकिन बेटा अब गाड़ी थोड़ी और आगे निकल गई है, तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? सर बिल्कुल यू टर्न मार के आना पड़ेगा। तो इसमें बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब इस 80,000 में जो मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है, इसमें मुझे क्या जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो ऐड करना पड़ेगा। ऐड ट्रांसफर टू, आपने किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई आपने नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट डिविडेंड में दिया, हाँ, कुछ अमाउंट रिजर्व में दिया, हाँ, और जो बच गया वो सरप्लस में आया। अब मैं यू टर्न मार रहा हूँ तो जो रिजर्व में माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। जो आपने डिविडेंड दिया है इस साल, ठीक है, डिविडेंड की कहानी मैं आपको पिछले वीडियो में सुना चुका हूँ। ये सुनो, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे और जल्दी से बताएंगे कि भाई आप डिविडेंड कौन सा पे करते हो। आप मुझे बताओ बेटा, आप डिविडेंड कौन सा इस साल आपको पे करना होता है? सर हमको पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करना होता है, मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मैंने आपको क्या बोला था, करंट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड का पूरे कैश फ्लो में कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। भाई आपने जो ये डिविडेंड दिया होगा, जो डिविडेंड आपने देना था वो आपने कौन सा दिया होगा, आपने पिछले साल वाला इस साल दिया होगा ना? हाँ सर हाँ।
तो पिछले साल वाला जो इस साल दिया है वही तो ऐड करूंगा, बिल्कुल। प्रपोज डिविडेंड, सर सिंपल सी बात है, हाँ जब मैंने ये दो चीजें ऐड कर दी तो मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बोलो हाँ या ना। अब ये दो चीजें आप याद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा फर्ज था आपको पूरा लॉजिक समझाना, मैंने आपको समझा दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बात समझ में आ गई? ओके, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यस और नो? तो बेटा अब मैं वापस कहां पहुंच गया हूं, मैं वापस अब यहां पहुंच गया हूं, दैट इज नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। अब मैं अगेन क्या करूंगा, अगेन इसमें से बस मुझे क्या करना है, वही पहले वाली चीजें करनी है। क्या करनी है? वही पहले वाली चीजें। सर कौन सी पहले वाली चीजें? बेटा जो मैंने यहां पे करी, क्या करी, ये सेम चीज। देखो अब मुझे बस, अगर मैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं तो मैं आराम से इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और देखो देखो यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि आप और रिलेट कर पाओ। आपको बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बस यहां पे मैं एक स्टेप आगे चला गया था, मैं वो वापस आया। मैंने यहां पे क्या कर दिया था, आपको यहां पे सरप्लस का बैलेंस गिवन था, और जो सरप्लस का बैलेंस गिवन होता है, जो सरप्लस का बैलेंस गिवन होता है उसमें से आप ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हो, हाँ सर हाँ, आप रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो। अरे नहीं, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, मैं वापस आया। मुझे क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट चाहिए था इस साल का, मुझे इस साल का नेट प्रॉफिट चाहिए था। तो बेटा मैंने जो रिजर्व में ट्रांसफर किया वो वापस ऐड बैक किया, हाँ जो मैंने डिविडेंड में ट्रांसफर किया था वो मैंने दोबारा ऐड बैक किया, तो मैं नेट प्रॉफिट पे आ गया। हाँ अब मुझे अगेन वही क्या करना है, मुझे टैक्स का इफेक्ट हटाना है, तो मैंने टैक्स का एक्सपेंस लेस किया, रिफंड माइनस किया, बाकी वही सब सेम कहानी है, बाकी वही सेम कहानी है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में, बेटा क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन है, क्या गिवन है ये, ठीक है। अरे बेटा देखो, अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ये जहां मैंने ये क्या बनाया, ये कोशिश करी है मैंने झंडा बनाने की, ठीक है सर। अगर आपको ये गिवन है, हाँ सर ये गिवन है, तो आपको बस ये करना है, हाँ सर हाँ। लेकिन मेरे भाई अगर आपको ये गिवन है, सरप्लस का बैलेंस गिवन है, तो उसके बाद पहले आपको ये दो चीजें भी ऐड करनी है और फिर ये सब करना है। क्या आपको समझ में आया है, येस और नो? फटाफट से बताओ क्लियर है या नहीं, पूरी कहानी समझ में आई कि भाई मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। इसी को निकालने के लिए पूरी की पूरी क्या चल रही है, गेम चल रही है। समझ में आया? थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, पक्का ट्रस्ट मी आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। झूठ नहीं बोल रहा बेटा, झूठ नहीं बोल रहा। फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी तो कर लूँ, एक सेकंड रुको बेटा, मैंने नोट्स बना रखे हैं ना इसके, तो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से मुझे कॉपी करना है। वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको पूरी कहानी ऑलरेडी सुना दी है। देखो बेटा क्वेश्चन हमारे सामने है ना, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, सुनो क्या है। सर फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एम ए एच लिमिटेड, अच्छा एज ए 31 मार्च 2022, आपको यहाँ पे दो साल के बैलेंस गिवन है, ये 2020 का बैलेंस है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये 2021 के एंड का मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखोगे दोस्त, तो क्वेश्चन में आपको सरप्लस गिवन है, यस नो? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अच्छा ठीक है ना। इसके बैलेंस गिवन है कि पिछले साल आपके गुल्लक में कितने पैसे थे, बेटा पिछले साल आपके गुल्लक में 5 लाख रुपए थे, इस साल 10 लाख रुपए हैं, इसका मतलब सरप्लस में कितना ट्रांसफर किया आपने, 5 लाख रुपए, हाँ। अब क्योंकि सरप्लस गिवन है तो मुझे यहाँ पे डिविडेंड और रिजर्व्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिविडेंड का आइटम गिवन है, धीरे धीरे होले होले चलेंगे ना बेटा, ये सुनो आपको बस यहाँ पे क्या गिवन है, सिर्फ डिविडेंड का आइटम गिवन है, हाँ सर हाँ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम सरप्लस के बैलेंस का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। क्यों सर, इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया कि इस बार आपने सरप्लस में कितने पैसे ट्रांसफर करें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ऑल राइट सर कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 5 लाख रुपीज, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख रुपीज, हाँ। अब क्योंकि डिविडेंड आपको दे रखा है सर दो सालों का, आप मुझे बताओ प्रपोज डिविडेंड, एक तो ये है पिछले साल का 2020, ये है आपका इस साल का, हाँ जी। आपने इस साल कौन सा डिविडेंड दिया होगा, अपने प्रॉफिट में से कौन सा डिविडेंड दिया होगा जो बेटा आपने पिछले साल प्रपोज किया होगा,
ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया, आप जाके देख सकते हो। एक वीडियो है प्रपोज्ड डिविडेंड की कहानी, आप आराम से जाके देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बोलो हाँ या ना। सर ये हमारा कितना है प्रीवियस ईयर का, 4 लाख, और आपको कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं तो बेटा मैं यही मानूंगा कि यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। अब भाई क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो मेरी गलती थोड़ी है। ये सुनो सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ बेटा मुझे पता है, आपको करवा रहा हूँ मैं, आपको जो क्वेश्चन करना है वो मैं करवाता हूँ, आ जाओ। देखो बेटा देखो, अब आएंगे एक बढ़िया से क्वेश्चन पे, ये आई ना बात, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बस बात बन जाएगी। यस, अब ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन अगर हो गया तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि भाई कैश फ्लो निकालने के लिए पहला स्टेप यही है कि हमको यही निकालना होता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, आधे घंटे से पहले स्टेप पे ही है बेटा हम, क्योंकि हम समझते हैं याद नहीं करते, आ जाओ। सर आपको सबसे पहले देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है सरप्लस का बैलेंस, है ना, सरप्लस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगेन तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्लोजिंग कितना है बेटा, 3,36,000, ओपनिंग कितना है 1,00,000, तो इसका मतलब इस साल आपने सरप्लस में 2,36,000 ट्रांसफर करें, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब पहले सरप्लस से मुझे अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। सर सरप्लस से नेट प्रॉफिट के बीच में दो आपके स्टॉप आए थे, याद है, ये देखो सर दो स्टॉप आए थे, एक तो डिविडेंड का और एक रिजर्व का, है ना। तो पहले मुझे डिविडेंड और रिजर्व को क्या करना है, उनको ऐड बैक करना है। आ जाओ सर, देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ एक तो लिखा है डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर, हाँ, उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। बेटा कोई भी डिविडेंड हो, मैंने क्या आपको वो लिखवाया है कि फाइनल डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड, प्रेफरेंस, नहीं बेटा, कोई भी डिविडेंड हो, होगा तो प्रॉफिट में से ही पे, बोलो हाँ या ना। अगर कोई भी डिविडेंड होगा तो प्रॉफिट में से ही पे होगा ना, हाँ सर हाँ। तो जितने भी डिविडेंड आपने पे करे हैं वो सारे के सारे क्या कर दूंगा मैं, ऐड बैक कर दूंगा, ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर, ठीक है, जितने भी करे हैं मैं सारे के सारे ऐड कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर। सर टोटल कितने हैं देखो, 72,000 और 90,000, 90 + 72,000, 162, मैं एक साथ दोनों को ऐड कर रहा हूँ, बात समझ में आ गई। आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिजर्व, दो चीज़ें आएंगी, हाँ सर हाँ, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको वापिस से ऐड बैक करो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सर कितना है, 1,00,000, हाँ। अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ बेटा, वो रास्ता याद करो भाई, वो इतनी सुंदर ड्राइंग मैंने क्यों बनाई है ना। सरप्लस से मैं निकला, हाँ, अरे अपनी गड्डी लेके निकला, राइट, ठीक है। सरप्लस से जब मैं निकला तो मैंने रिजर्व को ऐड कर दिया, वापस यू टर्न, डिविडेंड को ऐड कर दिया, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, विच इज नेट प्रॉफिट एज पर PNL। अब वापस से बस मुझे क्या करना है, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट लेना है। देखो सर यहाँ पे आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर, तो क्या करेंगे, टैक्स का इफेक्ट लेना है, ऐड कर देंगे। अरे खर्चा आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा तो आप ऐड कर देंगे, हाँ, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। कौन सा सर, करंट ईयर का, सर करंट ईयर का है कितना, 1,50,000, हो गया जी, हाँ जी हो गया। रिफंड भी गिवन है आपको, अरे रिफंड ऑफ टैक्स, तो बेटा रिफंड ऑफ टैक्स तो माइनस होता है, लेस, क्योंकि आपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है सर। सर क्या कितना आ गया ये, 3,000, तो ये आपने माइनस कर दिया, टैक्स का इफेक्ट हटा दिया। अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाना है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाना है तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अब बेटा अर्थक्वेक से नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट में माइनस किया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 2,00,000 रुपीज का, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप आ गया है, ठीक है, कितना है, 2,00,000 रुपीज एड हो गया, बिल्कुल। अब इसी का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, हाँ सर इसी का हमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है, 1,00,000 रुपीज का, जो हम लेस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट में ऐड हुआ था। अरे अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो क्या आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, क्या मैं उसको लेस कर दूंगा, बिल्कुल, इंश्योरेंस क्लेम 1,00,000 रुपीज लेस, क्या हमारा आंसर आ जाएगा, एब्सोल्युटली यस। बेकार में बच्चों ऐसे डर रहे हो आप कि भाई क्या है, कुछ नहीं है, देखो आपके सामने, आप मुझे बताओ आपको समझ में आया नहीं आया कि भाई पहला स्टेप कैसे करना है, आपको अब समझ में आ गया या नहीं आ गया, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, -3,000, -1,00,000, तो क्या आपका आंसर 7,45,000 आ रहा है।
अरे मेरा आ रहा है ना इसलिए, ठीक है मेरा आ रहा है 7,45,000, कोई गलती होगी तो बता देना, ठीक है 7,45,000। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, जहां से मुझे अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग शुरू करना है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है दोस्तों, सच में। हाँ, जो पहले स्टेप में मुझे आपको बताना था, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपका पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप आपका है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कहाँ गया बेटा मेरा पहला स्टेप? ये रहा, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप। येस, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिया, जैसे मैंने आपको बोला बेटा अभी इस नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा मिलावटें हैं। सर कौन सी मिलावटें? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने बेसिकली क्या निकाल लिया? आपने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, इससे पहले वाला प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी बेटा अगर आप देखोगे इस प्रॉफिट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। हाँ सर, हाँ, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो ऑपरेटिंग नहीं है। अरे बाय नेचर ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब या तो इन्वेस्टिंग की है या फाइनेंसिंग की है, सही बात है। और जैसे मैंने आपको बोला कुछ खर्चे जो शायद ऑपरेटिंग होंगे लेकिन नॉन कैश होंगे, सर मतलब उसमें कैश का फ्लो ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका सर? डेप्रिसिएशन का। बोलो हाँ या ना, क्या डेप्रिसिएशन जो है आपका ऑपरेटिंग खर्चा है? हाँ, बिजनेस से कनेक्टेड होता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन क्या उसमें कोई कैश का फ्लो है? नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा स्टेप नंबर टू? अब सुन लो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अरे मैं आपके लिए बना के आया हूँ फॉर्मेट, देखो बेटा देखो, ये देखो मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। लेकिन शांति, धीरे 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 चलेंगे, ठीक है। आ जाओ सर स्टेप नंबर टू। मैं आज आपको पूरी क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, खत्म। यही करते हैं आया हम। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। अब ये क्लास 2 घंटे की जाए तो 2 घंटे की, अगर मैं 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बोल सकता हूँ तो आप मुझे सुन तो सकते ही हो ना, ये ऐसे नो। आ जाओ फटाफट से, ठीक है। स्टेप नंबर टू, अब देखो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। हाँ, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि भाई अभी मेरे पास क्या आ चुका है? अभी मेरे पास आ चुका है नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया कि मुझे टैक्स का इफेक्ट हटाना था, मैंने हटा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का आपने कहा था, वो भी हटा दिया, ये लो राइट। अब मुझे किसका इफेक्ट हटाना है बेटा? किसका? अब मुझे यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट हटाना है, सही बात है। कि जो नॉन कैश है उसको हटाओ, हाँ उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है भाई, हम तो कैश फ्लो कर रहे हैं। और जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको हटाओ। अब मेरी बात सुनो, जो खर्चे आपने प्रॉफिट में से माइनस किए होंगे जो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, क्या वो ऐड हो जाएंगे? अरे बेटा सुनो ना, देखो 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 बेटा देखो, ये जो आपने खर्चे, कौन से खर्चे सर? नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन कैश आपने प्रॉफिट में से माइनस किए होंगे ना। हाँ सर, तो अगर मुझे इनका इफेक्ट हटाना है तो क्या मैं ऐड कर दूंगा? एग्जैक्टली, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ऐड, ऐड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे आप सबको पता है, सबको पता है सर कौन कौन से होंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, सही बात है राइट। आपका अंडरराइटिंग कमीशन, तो जो आपने फाइनेंसिंग में आपने जो आइटम्स रिकॉर्ड करे हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो आपके यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली सर, अगर कोई खर्चा इन्वेस्टिंग में भी हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे आएगा। हाँ, तो मतलब नॉन ऑपरेटिंग का मतलब समझ गए ना, जो ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, बोलो हाँ या ना। सर कुछ एग्जाम्पल्स बता देते तो मज़ा आ जाता। अरे देखो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सर अगर मैं बात करूँ नॉन कैश एक्सपेंसेस की, तो सबसे मेन एग्जाम्पल आपको पता चल चुका है डेप्रिसिएशन। सर सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है बेटा? टैंजिबल एसेट्स पे, है ना। डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, मैंने आपको इन्वेस्टिंग में एक चीज बताई थी, याद है आपको? सर क्या बताई थी? मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई इनटैंजिबल एसेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, ओपनिंग बैलेंस से कम हो रही है, तो हम क्या मानते हैं उसको? एमोर्टाइजेशन। सर एमोर्टाइजेशन भी तो डेप्रिसिएशन के जैसे ही होता है, बस नाम अलग है। डेप्रिसिएशन आपके टैंजिबल एसेट्स पे लगता है, एमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल पे लगता है तो खर्चा ही। जैसे डेप्रिसिएशन खर्चा है, वैसे एमोर्टाइजेशन, हाँ सर हाँ। तो हम क्या करेंगे सर? एमोर्टाइजेशन को ऐड कर देंगे, बिल्कुल। बेटा ये आपको लिस्ट याद नहीं करनी है, वो तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ध्यान में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज क्यों आ रही है, राइट। एमोर्टाइजेशन ऑन इनटैंजिबल एसेट,
इन टैंजिबल एसेट्स। अच्छा ठीक है सर, और बताओ बेटा आपके बैड डेट्स। सर क्या आपके बैड डेट्स, मुझे बताओ बेटा अगर बैड डेट्स हो गए हैं, हाँ सर हाँ, तो कोई कैश का फ्लो हुआ क्या? अरे बैड डेट तभी हुआ क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। हाँ सर हाँ, अब बैड डेट नुकसान होता है, आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, हाँ, लेकिन क्या कोई कैश का फ्लो हुआ? नहीं हुआ। सर इसके बाद अगर बेटा आपने कोई प्रोविजन बनाया है, जैसे जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आप प्रोविजन बना रहे हो, किसका सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, कोई भी प्रोविजन हो सकता है बेटा। जब आप प्रोविजन बनाते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन को आप अपना खर्चा मान के चलते हो, हाँ सर हाँ, कि भाई ये यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपने अपना लॉस माना हुआ है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था कि भाई ये तो नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या यहाँ पे कोई कैश का एक्सचेंज हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो? नहीं। क्या ये नॉन कैश है? हाँ सर नॉन कैश है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए। सिमिलरली बेटा सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या आ सकते हैं? यहाँ पे आएंगे अब नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। सर क्या आएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। कोई भी बोरिंग्स हो बेटा, अगर आपने कोई भी पैसा उधार पे लिया है और अगर आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो क्या वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा? हाँ। प्रॉफिट में से कम किया होगा? हाँ। एड बैक कर दो क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, राइट। सिमिलरली बेटा आपको याद हो, अगर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स चैप्टर सब पढ़ कर आए? यस सर यस, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आपने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू हो सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी आपने इशू करी है। अच्छा ठीक है, आपने डिबेंचर इशू करे, उस पर डिस्काउंट दिया। क्या दिया उस पर डिस्काउंट दिया? 100 रुपये की फेस वैल्यू का 90 रुपये पे दिया, तो क्या 10 रुपये का आप अपना डिस्काउंट रिकॉर्ड करते थे? वहां भी पढ़ाया था कि ये क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, नुकसान है। हाँ सर हाँ, तो भाई नुकसान या खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, हाँ, लेकिन सर इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी राइट ऑफ करते थे। हाँ बेटा करते थे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया होगा तो यहां पे नहीं आएगा, ये सुनो। लेकिन अगर क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास नहीं था तो क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते थे? हाँ सर, समझ में नहीं आया। अरे मेरा मेरे बेटा सुनो मेरी बात सुनो। सर जब आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते थे, क्या करते थे? डिबेंचर अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते थे और डिस्काउंट देते थे, तो आप वहां पे डिस्काउंट को डेबिट करते थे, याद है? हाँ सर बिल्कुल। और फिर जब क्वेश्चन खत्म होता था, जब ईयर का एंड होता था, तो आप इसको राइट ऑफ करते थे। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसको ट्रांसफर करना होता है, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करो, नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस से करो। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि भाई अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया होगा ना? हाँ सर हाँ, और रिकॉर्ड किया होगा तो ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आती है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ये बात हो गई, हाँ सर ये बात हो गई। और कोई सर कैसी बातें कर रहे हो, और भी हो सकता है सर, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन। तो जैसे मैंने बोला बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ऑपरेटिंग तो है नहीं, ये तो हमने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में करे थे। यही रीजन है कि पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कराता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग समझना आसान है। हाँ सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो समझ में आ जाती है तो ऑपरेटिंग भी आपका आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया बेटा, अभी हमने एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया उनका इफेक्ट हटाने के लिए। अब बेटा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे, आपकी यहाँ पे कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होगी, हाँ, जो आपने प्रॉफिट में ऐड करी होगी, तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। बात समझ रहे हो? उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम उसको लेस कर देंगे, लेस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑलराइट, तो देखो फटाफट से देखो, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो क्या हो सकते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के। देखो अगर मैं बात करता हूँ नॉन कैश इनकम की तो बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं उसके। सर नॉन कैश इनकम कैसे हो सकती है ना? देखो कुछ एग्जांपल जरूर हैं, जैसे सर कुछ तो बता दो। जैसे बेटा एक एग्जांपल आपका हो गया एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। सर क्या मतलब है बेटा? मतलब बताए बिना तो जाऊंगा नहीं मैं। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपने कोई प्रोविजन बनाया, किसी भी चीज का प्रोविजन बनाया, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही मान लो मेरे भाई, ये सुनो, प्रोविजन बनाया, अब वो प्रोविजन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रखा है, हाँ, कुछ टाइम बाद आपको पता चला ओ हो, इतना प्रोविजन तो चाहिए ही नहीं, इतना नुकसान तो होने ही नहीं वाला, हाँ या ना? तो आप क्या करते हो, उस प्रोविजन को रिवर्स करते हो कि नहीं, इतना नुकसान नहीं हो रहा है। अब प्रोविजन आपने खर्चा रिकॉर्ड किया था, हाँ,
अब अगर उसको रिवर्स करोगे तो बेटा वो इनकम होगी नहीं होगी, ये सुनो, अगर एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हो तो वो एक तरीके से तो इनकम ही होगी ना। तो क्या बोला, एक्सेस प्रोविजन, ज्यादा प्रोविजन जो आपने बना लिया था, दैट इज बीइंग रिटर्न बैक। बात समझ में आ रही है, ये सुनो, ठीक है सर, ठीक है, और बताओ, और बताओ, और एग्जांपल अगर आपको जानने हैं बेटा कि इसके और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, तो राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी। सर मतलब देखो बेटा, देखो, लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ, लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ, सर मतलब बेटा मान लो आपके कोई क्रेडिटर भाई साहब थे। कौन थे? क्रेडिटर भाई साहब। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो चले गए बेटा इंडिया छोड़ के। कहाँ चले गए हैं वो? इंडिया छोड़ के जर्मनी चले गए हैं। अच्छा ठीक है, और उन्होंने जाते जाते आपको फोन किया कि सुनो मैं जा रहा हूँ ये मोह माया छोड़ के, ठीक है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं बेटा बस अपनी फैमिली के पास जर्मनी जा रहा हूँ, ठीक है, तो जो पैसे आपने देने थे माफ किए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ये सुनो कि भाई आपके जो क्रेडिटर्स थे, ऐसा हो सकता है ना कि क्रेडिटर्स जो हैं वो बेटा इस दुनिया को छोड़ के भगवान के पास चले गए हो? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो पैसे किसको दोगे? मान लो उनके कोई भी लीगल एयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कोई लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी, अब आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, अब आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये इनकम हो गई? हाँ, अब किसी को पे नहीं करना, बिल्कुल सही बात है, इनकम है। हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे कोई कैश का आउटफ्लो हुआ है? नहीं, नॉन कैश इनकम है। बात समझ में आ गई? सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अरे वो तो बहुत सारी हो सकती है ना। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो बहुत सारी हो सकती है। सर बताओ ना, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो मुझे बताओ, जो भी इन्वेस्टिंग में इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है सर, जैसे कि आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा हाँ बेटा, हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मुझे बताओ क्या ये आपका जो गेन हुआ है, जो आपको गेन हुआ है, या प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हो? हाँ सर, गेन हुआ है। अब मुझे बताओ क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है, आपके मेन बिजनेस की इनकम? नहीं बेटा, ये तो इन्वेस्टिंग वाले इनकम है। सर बिल्कुल सही बात है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हटाओ हटाओ हटाओ। सर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टिंग इनकम है। हाँ सर, इन्वेस्टिंग इनकम है। तो ये सब आपके क्या हो गई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब मैंने ऐसी चीजों को हटा दिया, जब मैंने ऐसी चीजों को हटाया, तो देखो देखो देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाला? दिस इज माई स्टेप नंबर वन। यस सर, दिस इज माई स्टेप नंबर वन। ऐसे लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। स्टेप नंबर वन क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसमें आपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट किया, ठीक है। जो प्लस माइनस करना था मैंने आपको समझा दिया। बेटा प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या आता है सर? ये आएगा बेटा अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुन लो सर, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये वर्किंग कैपिटल का क्या सीन है, समझाऊंगा ना भाई, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ सर, हाँ, क्योंकि बेटा अब मैंने नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटा दी है। हाँ सर, हटा दी है। तो अब मेरा क्या आ गया? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, समझाएंगे। आधा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो चुका है, आधा बचा है। बात समझ रहे हो? ये सुनो, तो ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इससे पहले ये हमारा क्या, स्टेप नंबर टू। दिस इज माई स्टेप नंबर टू एवरीवन, ठीक है। तो पहले हम यहां तक के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बेटा आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाए। होले होले धीरे धीरे चलेंगे, कोई ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है। सर समझाओ समझाओ, आ जाओ। देखो देखो, पहला एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, या हम एक दूसरे पेज पे कर लें, ताकि मैं अगला स्टेप यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा। आ जाओ देखो बेटा, ध्यान से यहां पे कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको वाइट कर दिया, एंड द फॉन्ट हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आपको विजिबल हो रहा है आई गेस? या ठीक है। देखो 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 सर, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिवन है। हाँ, क्योंकि हमको स्टेप नंबर वन की प्रैक्टिस नहीं, स्टेप नंबर टू की करनी है ना। तो आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको पहले से ही गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। ये बात समझ में आती है? देखो सर, थोड़ा फॉर्मेट भी बता देते कि फॉर्मेट कैसे होता है। चलो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑल राइट, देखो 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 सर, जैसे हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, कुछ अलग थोड़ी है। देखो आओ सर, वही दो कॉलम। हाँ बेटा, वही दो कॉलम, यही हमको ऐसे दो कॉलम बनाने हैं बस।
कि भाई जो भी हमारा फाइनल अमाउंट आएगा वो मैं लिखूंगा फाइनल कॉलम में। देखो आ जाओ आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या गिवन है बेटा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है सर, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आपको गिवन है बेटा, आ क्या गया 4,47,000। हाँ अब इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड बैक करना है। ऐड बैक, हाँ सर हाँ, ऐड क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ ध्यान से देखते हैं बेटा कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं। आ जाओ सर, सबसे पहले डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश है, हाँ बस यहां लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सर इतना आसान है और क्या, समझने की देर होती है भाई, बस 84,000 ये हमने लिख दिया। हाँ जी ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स ऐड होगा, हाँ सर ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सर कितना कितना कितना, 16,800 ये हमने ऐड कर दिया। जी बिल्कुल ऐड कर दिया। ठीक है इसके बाद आपको दिया गुडविल अमोर्टाइज्ड, अगेन नॉन कैश है, हाँ जी गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड किया है वैसे ही हमने गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया 18,600 से। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद क्या है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अगेन नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। ठीक है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना बेटा, यहाँ पे तो मुझे ऑपरेटिंग निकालनी है तो इन्वेस्टिंग को हटाओ, हमने हटा दिया कितने से, 18,000 से। ये सब हमारा एड बैक चल रहा है, एड ही कर रहे हैं बस। ठीक है गेन, अब बेटा मुझे क्या करना है, अब मुझे लेस करना है, क्या करना है, लेस जो मेरी क्या है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बहुत बढ़िया। तो एक आइटम आपको गिवन है, क्या गिवन है सर, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यही है ना, हाँ गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है, क्या कर दोगे बेटा, लेस कर दोगे। यस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस कर दे, हाँ जी बिल्कुल बेटा करो करो करो, 12,000, 12,000 से हमने इसको लेस कर दिया। लेस के लिए मैंने आपको बताया था बड़े हो गए हो तो ब्रैकेट लगाना है। ठीक है सर, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, क्या ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ सर 27,600 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है सर कितना, अरे भूल गया मैं, 27,600 बस हो गया सच में, और क्या मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था सर, हो गया आंसर आ जाएगा। देखो 4,47,000 प्लस 84,000 प्लस 16,800 प्लस 18,600 प्लस 18,000 माइनस 12,000 माइनस 27,600, क्या आपका आंसर 5,448,000 आ रहा, क्योंकि मेरा आ रहा है क्या है सर। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं, हम जो हमारा आया है 5,448,000 इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके बात समझ में आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर एक आधा क्वेश्चन और प्लीज। ओके बेटा ओके, अरे मैं आपको करवाता हूँ बेटा, पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन गाइस, आ जाओ। क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे, अभी बस हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि बस हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, राइट, मतलब मैंने इस साल यूट्यूब पे पूरा 100% सिलेबस करवा दिया, कमाल की बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ सर, एग्जाम्पल क्या है, देखो 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 देखो, आपको बोला है कि आपको निकालना क्या है, वही ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वही सब चीजें निकालनी है। अब यहां पे आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 भी करना है और स्टेप नंबर 2 भी करना है, मजा आएगा। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा फॉर्मेट है, मैं आपको एक बार फॉर्मेट दोबारा से समझा देता हूँ। देखो हमारा फॉर्मेट जो है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, हमारा फॉर्मेट शुरू होता है स्टेप नंबर 1 से, तो जो स्टेप नंबर 1 की कैलकुलेशन है वो मुझे हमेशा वर्किंग नोट में दिखानी होती है। सर मतलब देखो देखो सर, यहाँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ मुझे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बोला ये फॉर्मेट हमें किसने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, स्टेप है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो मेरा आंसर यहीं से शुरू होगा,
ओके सर ओके, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये गिवन नहीं है ना, तो ये मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर वन। बात समझ में आ गई? तो नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर वन और ये मैं निकालूंगा। ठीक है, ऑल राइट। आपको गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो भी आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो टैक्स आप इसका मतलब टैक्स भी माइनस कर चुके हो, टैक्स का इफेक्ट ले चुके हो और डिविडेंड भी माइनस कर चुके हो। अच्छा ठीक है, एंड डिविडेंड। सर इसका मतलब मुझे यहां पे टैक्स का इफेक्ट लेना है और मुझे डिविडेंड को ऐड करना है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये आपको कितना गिवन है, ये आपको 2,15,000 का गिवन है। कितना? 2,15,000। डन। ठीक है, अब देखो देखो आ जाओ, इसके बाद मुझे क्या करना है, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, खर्चा है, ऐड बैक कर दूंगा 45,000। ये मैंने क्या किया, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, टेंशन मत लो। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है सर? 45,000। 45,000। डन जी, हाँ जी डन। इसके बाद है बेटा फाइनल डिविडेंड, जो आपने डिविडेंड पे किया 50,000 ऐड कर दो। डिविडेंड आपने प्रॉफिट में से माइनस कर चुके हो आप, हाँ, तो डिविडेंड कितना, अरे मैं भूल जाता हूँ बेटा, मेरी मेमोरी बड़ी खराब है। कितनी है बेटा? 50,000। 50,000, ऑल राइट। हाँ जी, और बताओ सर। और देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड, एंड में दिया हुआ ताकि आप भूल जाओ। हम नहीं भूलेंगे भाई। इनकम टैक्स रिफंड 30,000। अब इनकम टैक्स रिफंड इनकम होती है, बिल्कुल इनकम टैक्स रिफंड इनकम होती है, हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट में ऐड बैक किया होगा आपने, तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आपने इसको प्रॉफिट में ऐड कर रखा है ना, इनकम है, हटाना है मुझे उसका इंपैक्ट, तो लेस कर देंगे। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड सर 30,000 था जहां तक मुझे याद है, 30 था या 20 था एक बार चेक कर लो। ठीक है, कितना है? 30,000। चलो इतना याद था। बस मेरा पहला स्टेप हो गया, 2,15,000 प्लस 45,000 प्लस 50 माइनस 30, कितना आ रहा है? 2,80,000। तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, ये मैंने यहां पे लिख दिया 2,80,000। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसका इफेक्ट लेना है। अब आपको आसान लग रहा है, हाँ कुछ भी नहीं है, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, ऐड करो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो फटाफट से आपको मिल जाएंगे, अरे यही आपको मिल जाएंगे। देखो सर, सबसे पहले डेप्रिसिएशन है ना, उसको तो भूल नहीं सकते, 25,000 सर, डेप्रिसिएशन 25,000, ये हमको ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है, 25,000 से ऐड कर दो जल्दी से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, हाँ सर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड बैक हो गई, यस सर ऐड बैक हो गई। सर कितना आ गया? 10,000 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देन पेटेंट अमोर्टाइज, पेटेंट क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट, उसका अमोर्टाइजेशन हुआ है, मतलब उसकी वैल्यू कम हुई है, जैसे डेप्रिसिएशन है वैसा ही। ठीक है, तो पेटेंट अमोर्टाइज्ड, जैसे गुडविल अमोर्टाइज होती है, कोई भी इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? अमोर्टाइज होता है, अमोर्टाइजेशन। सर कितना? 30,000, ऑल राइट। अब आपको दिया हुआ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये तो हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ सर, इसको तो लेस करना पड़ेगा ना भाई, लेस कर दो, लेस आपकी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हेडिंग डाल दिया करो ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर लगे आपको, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें आपको एक ही आइटम गिवन है, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। क्या गिवन है आपको? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ओके ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, ओके सर ये देखो 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 कितना सर? 70,000, 70,000 बस, और तो कुछ भी गिवन नहीं है? नहीं, आपका आंसर आ गया, आ गया जी आ गया। 280 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 70, 2,75,000। किन किन बच्चों का आया? अरे मेरे मेरा तो आया बेटा, इस बच्चे का तो आया, आपका आया 2,75,000, 2,75,000। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम दूं बेटा? इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसी के साथ स्टेप नंबर टू हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा? स्टेप नंबर टू हमारा खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर यस, स्टेप नंबर टू आपको समझ में आ गया, बस अब तो खत्म होने वाला, जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ सर, अपने को क्लियर है, क्लियर है पक्का। ऑलराइट गाइस, इसके बाद मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, जो आपको करंट एसेट प्लस माइनस लायबिलिटी प्लस माइनस जो आपने याद किया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है सर, समझाओ समझाओ, आ जाओ। देखो 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 सर, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं सर, किसका? डेटर का।
एक डेटर का एग्जाम्पल बताऊंगा, बस उसी के बाद आप समझ जाओगे। मान लो बेटा ये डेटर है। सर ये डेटर कहाँ है? ये देखो ये रहा, ठीक है। ये डेटर है, ये डेटर का अकाउंट आपने बनाया, ये आपने डेटर का अकाउंट बनाया। ओके सर, ओके। इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस था, मतलब साल के शुरू में कुछ बैलेंस था, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना था? मान लो बेटा 1 लाख रुपीज। ओके ठीक है। और साल के एंड का बैलेंस आपको गिवन है। सर साल के एंड का बैलेंस हमको गिवन है बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर कितना आ गया? कुछ भी ले लो यार, 1 लाख 50 मान लो। अच्छा ठीक है, 1 लाख 50। हाँ सर 1 लाख 50। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सर ऐसा करो, पहले एग्जाम्पल के लिए, पहले एग्जाम्पल के लिए इसको ले लो सर आप 70,000, ठीक है। 150 भी ले सकते हैं, 70 ले लो, ठीक है। अब सुनो भाई, डेटर अकाउंट में और क्या आता है सर? सर डेटर अकाउंट में आता है, क्या आता है? जो आपने सेल करी है, तो डेटर टू सेल्स यही एंट्री होती है। अरे नलायको बताओ फटाफट से, डेटर टू सेल्स यही एंट्री होती है। हाँ सर, अगर आपने उधार पे सेल करी है तो आपके डेटर बढ़ गए कितने के? मान लो 50,000 रुपये के। हाँ सर बढ़ गए। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये सेल का अमाउंट है आपका 50,000 रुपीज जो सेल का है, ये तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया होगा, बोलो हाँ या ना? सर मतलब बेटा जो आपने यहाँ पे ये निकाला, क्या निकाला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसमें आपकी सेल तो इंक्लूड है। हाँ जब हमने ये अकाउंट बनाया था, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो है ना। तो यहाँ मैंने सेल तो डाल दी थी, तो जो भी मेरी सेल हुई होगी क्रेडिट वाली वो मैंने डाल दी है वहाँ पे। हाँ सर हाँ डाल दिए। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपको इस साल डेटर से पैसा मिला कितना? सर कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो 1,50,000 रुपये डेबिट साइड पे आ रहे हैं। हाँ सर क्रेडिट साइड पे तो 70,000 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब 80,000 यहाँ पे आना चाहिए। बेटा दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। हाँ तो ये 80,000 रुपीज क्या है? जो आपको इस साल डेटर ने पैसे दिए हैं। बात समझ में आई? आपको डेटर ने इस साल 80,000 रुपये दिए हैं। आप एंट्री क्या पास करते हो? जब आपको डेटर से पैसे मिलते हैं तो एंट्री क्या पास करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इसका मतलब डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हो। हाँ तो जो डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे मिले हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये 50,000 की सेल इंक्लूड करी है। मुझे तो कैश का फ्लो निकालना है सर, मुझे तो कैश का फ्लो निकालना है। आपको एक्चुअली में डेटर से पैसे मिले कितने? 80,000। तो क्या गड़बड़ है? आपने तो अभी सिर्फ 50,000 रुपये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डाल रखे हैं। हाँ सर हाँ, लेकिन पैसा कितना मिला है? 80,000। तो इसका मतलब 30,000 रुपये और ऐड होने चाहिए, बोलो यस और नो? आराम से सोचो बेटा। सर होने तो चाहिए, बात तो सही कर रहे हो आप। बात सही कर रहा हूँ? हाँ सर हाँ। 30,000 सर, अब इसको पता कैसे लगाएंगे? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई कैसे पता लगाना है, आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब कौन से? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में जो चेंज आ रहा है। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आते हैं। हाँ सर हाँ। तो जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से भी कैश का फ्लो होता है। हाँ सर होता है, आपको दिखाया ना मैंने, ये देखो 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 यहाँ पे चेंज हुआ है। हाँ सर। सर चेंज कैसे हुआ? सुनो मेरी बात, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मुझे 30,000 रुपये और ऐड करने हैं? आपके स्टार्टिंग का बैलेंस कितना है बेटा? 1 लाख रुपये। हाँ आपके एंडिंग का बैलेंस कितना है? 70,000। सोचो सोचो सर, स्टार्टिंग का बैलेंस 1 लाख रुपए है, हाँ एंडिंग का 70,000 है। तो ये हम मान लेंगे, सिंपल सी बात है, कि डेटर ने आपको इस साल 30,000 रुपीज दिए हैं। हाँ सर हाँ, बोलो हाँ या ना? कि भाई अगर स्टार्टिंग का बैलेंस 1 लाख रुपए है और आपका क्लोजिंग का बैलेंस 70,000 रुपीज है, तो क्या इसका सिंपल सा मतलब है? सर क्या मतलब है? कि डेटर से आपको 30,000 मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बस क्या देखना है सर, ये डेटर तो एक एग्जाम्पल है। जो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं, जो भी आपके करंट एसेट्स होंगे, उनका आपको बैलेंस देखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और अगर बेटा आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस कम है और क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है, तो वो आपको क्या कर देना है बेटा? यहाँ पे ऐड कर देना है। अब बच्चे इसको याद करते हैं या आपकी मर्जी है बेटा, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। क्या करेंगे? ऐड करेंगे सर। क्या ऐड करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स। अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं ओपनिंग के कंपैरिजन में, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो इंक्रीज हुए हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैंने गलत लिख दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट। सर यहाँ हमने डिक्रीज देखा है ना? अरे देखो 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 बेटा, उल्टा लिख दिया ना मैंने, यहाँ हमारे करंट एसेट डिक्रीज हुए ना। हाँ सर हाँ। अब बेटा 1.5 घंटे से रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है राइट।
1 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस है। हाँ सर, 1 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। और 70,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, 70,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहां पे आपके करंट एसेट कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपको पैसा मिला है। बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। तो जब आपके करंट एसेट क्या होंगे सर, कम होंगे, इसका मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है आपका कैश का फ्लो हुआ है, जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। ये बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे होते हैं है ना, जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। मुझे बताओ बेटा, जब मैं अपने करंट एसेट देख रहा हूँ, हाँ, तो करंट एसेट मुझे सारे देखने? हाँ एक्सेप्ट सर, करंट एसेट सारे देखने, लेकिन एक्सेप्ट सर कौन कौन से? एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे वो थोड़ी देखोगे बेटा, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिफरेंस को देखने के लिए, वो यहां पे नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। और आपकी करंट इन्वेस्टमेंट क्यों सर? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट को भी बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से समझा रखा है, यस और नो? जब मैंने आपको पहला लेक्चर बताया था, फर्स्ट लेक्चर, उसी में बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे करंट एसेट के डिफरेंसेस देखने हैं, लेकिन इनके नहीं देखने हैं। कुछ बच्चे इनके भी देख लेते हैं, बेटा इनके कैसे देखोगे यार, यस और नो? इनका तो, इनके लिए तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो इनके डिफरेंसेस नहीं देखने, बाकियों के देखने हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब मेरी बात सुनो, सिमिलरली बेटा, सिमिलरली बाकी सारी चीजें भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। मतलब करंट एसेट जब आपके कम हो रहे हैं, मतलब पैसा आया है, और करंट एसेट जब आपके बढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब पैसा गया है, तो उसको कर देंगे लेस। बस एक चीज मैंने आपको समझा दी है, बाकी आप खुद से समझ जाओगे। देखो कि भाई अगर करंट एसेट क्या हो रहे हैं सर, कम हो रहे हैं तो पैसा आया है, और अगर ज्यादा हो रहे हैं तो पैसा गया। मतलब देखो आप, अरे समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, मैं समझा देता हूँ। देखो इसको चेंज कर देता हूँ मैं। मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस अब कितना है बेटा, आपका क्लोजिंग बैलेंस है लेट्स से 1,10,000 का। कितने का? 1,10,000 का। हाँ, तो आपके स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था? 1 लाख, ठीक है। अब 50,000 की मान लो आपने सेल करी है, ओके। अब ये सेल आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहाँ का टोटल भी 150 आएगा। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 40,000। बेटा यहाँ का टोटल 150 है, यहाँ का भी 150 होना चाहिए, 1,10,000 तो है ही, तो 40,000 पैसा मिला है। हाँ, अब सोचो सोचो सोचो, आपने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 50,000 रुपये इंक्लूड कर रखे हैं, हाँ, लेकिन आपको पैसा कितना मिला है मेरे भाई, पैसा तो 40 ही मिला है, ये सुनो। अरे पैसे तो 40,000 ही मिले हैं, तो इसका मतलब क्या 10,000 कम होने चाहिए? हाँ, तो वो 10,000 मेरे को कहाँ से पता चलेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को देख के। अगर आपका, देखो ध्यान से देखो, आपका क्या क्लोजिंग बैलेंस बड़ा है ओपनिंग बैलेंस से, 10,000 रुपये से, हाँ, तो वही 10,000 मुझे क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं, अगर आपका करंट एसेट बड़ा है। ये बात समझ में आ गई? ओके, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली बेटा, आपका किसके साथ होता है, करंट लाइबिलिटी के साथ होता है। देखो ध्यान से देखो सर, सिमिलरली किसके साथ होता है, करंट लाइबिलिटी के साथ। मान लो मैं क्रेडिटर्स का एग्जाम्पल लेता हूं सर। किसका? क्रेडिटर्स का। अच्छा ठीक है सर, क्रेडिटर्स के एग्जाम्पल में क्या है, फटाफट से देखो बेटा, फटाफट से देखो, ठीक है, कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया सर। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सर, कितना कुछ भी ले लो बेटा, 50,000, ठीक है। और ये आ गया टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बेटा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं पता है ना, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। टू बैलेंस सीडी सर कितना, अभी के लिए मान लो बेटा, अभी के लिए कुछ भी मान सकते हो, 40 मान लो, ठीक है, 40,000। अब आपने क्रेडिटर से क्या किया होगा, परचेजेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होता है। अरे सिंपल सी बात है ना, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितने के मान लो, 1 लाख के मान लो, ठीक है, 1 लाख, राइट। कितना आ गया, 1,50,000 यहाँ पे आ गया। हाँ सर हाँ, 1,50,000 यहाँ पे आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आपकी परचेजेस है सर, ये तो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही होगी, बोलो हाँ या ना सर। मतलब बेटा, ये तो आपने ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया होगा ना, परचेजेस तो ऑलरेडी डाल दिया, एक्सपेंस वहां पे ऑलरेडी डाल दिया है। हाँ सर हाँ, बात तो सही है। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां अगर आप देखोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1,10,000। कितना आ रहा है, 1,10,000। इसका मतलब आपने पेमेंट कितने की करी है, आपने पेमेंट तो 1,10,000 की करी है, बोलो हाँ या ना। लेकिन आपने तो परचेज कितना इंक्लूड कर रखा है, 1 लाख का, तो आपके हिसाब से तो खर्चा कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, 1 लाख। अरे लेकिन 1,10,000 का हुआ है भाई, आपने कैश का पेमेंट कितना करा है, 1,10,000। आपने अभी तक कितना इंक्लूड कर रखा है, 1 लाख।
तो क्या 10,000 और माइनस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताओ। अब खुद सोचो कि भाई मैंने तो अपना खर्चा कितना इंक्लूड कर रखा है, सिर्फ 1 लाख। अरे लेकिन मैंने पैसे कितने दिए हैं बेटा, 1,10,000। समझ रहे हो बात को? तो क्या 10,000 और माइनस होने चाहिए? तो इसका मतलब अगर आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में देखो 10,000 का डिफरेंस है, हाँ, तो अगर आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, देख लो ध्यान से, स्टार्टिंग में 50,000 थी, एंडिंग में कितनी है 40,000, तो क्या 10,000 से कम हो रहा है? हाँ, तो जो 10,000 से कम हो रहा है वो मैं क्या मानूंगा कि मैंने वो 10,000 की ज्यादा पेमेंट करी है, कैश का आउटफ्लो। आ जाओ बेटा, जिनको लॉजिक समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, बाकी याद तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, आ जाओ। राइट, हमें क्या करना है सर, अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, सर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मुझे लेस करना है, हाँ, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो ये करंट लाइबिलिटी जब कम हो रही है तो लेस करनी है, और करंट लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो आपको ऐड करनी है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करनी है, ऐड करनी है, लॉजिक आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब सर इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको इसमें एक ही आइटम ध्यान रखने की जरूरत है सर, जैसे करंट एसेट, बस इतना ध्यान रखो कि अगर करंट एसेट कम हो रहे हैं, करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब पैसे आए होंगे तो ऐड करना, ये तो ध्यान रहेगा। डेटर कम हो रहे हैं मतलब पैसा आया होगा, हाँ सर, ऐड कर दिया, बस सब कुछ इसके ऑपोजिट ही चल रहा है। कभी भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्या बोला मैंने, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कभी दोस्त नहीं हो सकते, मतलब सर अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज लेस हो रहा है, ऑपोजिट, हाँ सर ऑपोजिट, सर ये दोनों तो कभी दोस्त नहीं हो सकते बिल्कुल, ठीक है। तो ऐड हो रहा है क्या सर, इंक्रीज या डिक्रीज, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या देखना है कि डिक्रीज इन करंट एसेट, ये आप समझ गए कि हाँ ये तो ऐड हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या है सर, करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी का जो डिक्रीज होगा वो आपको लेस करना है, बस सिंपल सी बात है। हाँ सर, उसके बाद क्या, उसके बाद सिंपल है, अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट एसेट का जो इंक्रीज होगा वो लेस होगा, जो करंट एसेट का इंक्रीज होगा वो लेस होगा, हाँ सर हाँ। सिमिलरली सिमिलरली सर, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो बेटा इसका मतलब करंट लाइबिलिटी का जो इंक्रीज होगा वो ऐड होगा। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, मेरे को लॉजिक समझाना था, मैंने आपको समझा दिया, याद आप जिस भी तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये सब करने के बाद जो मेरा स्टेप नंबर 3 है वो क्या आएगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, अब हम बहुत पास हैं सर किसके, अपने आंसर के सर, उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अरे वाह, तो मतलब जो मैंने कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेशन से, अपने मेन ऑपरेशन से, बस क्या आपको बात समझ में आई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यस और नो। तो हमारे क्या हो गए सर, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए प्रॉपर डिटेल में, राइट। करने को तो बेटा 15 मिनट में भी लोग आपको करवा देंगे, वो आपकी मर्जी है। देखो मैं तो क्या बोलता हूँ बेटा, ये स्टूडेंट के ऊपर है, ये स्टूडेंट को समझना या सोचना होगा कि अब उसको किस तरीके से पढ़ना है, अभी भी क्या बस रट्टे ही मारने हैं, तो वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स हो सकता है उससे आ जाएंगे, राइट। कब तक याद रखोगे, कब तक, अभी आपका अकाउंट्स पीछा नहीं छोड़ने वाली है ना, है ना, ये रहेगा बेटा। अगर ग्रेजुएशन करोगे, बीकॉम करोगे तब भी रहेगा, सीए करोगे तब भी रहेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स और करोगे तब भी रहेगा, ये तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो आपके ऊपर है, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्टेप नंबर 3 भी समझ में आ जाए। आ जाओ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आओ। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखो फटाफट से, कैलकुलेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेप नंबर 3 एवरीवन दे आर आस्किंग। ओके देखो आपको क्या गिवन है, आपको एक तो सरप्लस का बैलेंस गिवन है, मैंने आपको क्या बोला, पहला स्टेप 2 तरीके से निकलता है, या तो जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सीधा प्रॉफिट दे देंगे तब मुझे डिविडेंड और रिजर्व्स का कुछ नहीं करना होता, लेकिन जब मेरे को सरप्लस गिवन है तो मुझे डिविडेंड और रिजर्व्स का सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप देखो बेटा, मजे की बात क्या है, मजे की बात है ना तो आपको यहाँ पे डिविडेंड गिवन है ना रिजर्व्स, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 के लिए नहीं है, स्टेप नंबर 3 के लिए है, ठीक है। तो यहां आप सिंपली निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अच्छा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सर कितना आएगा, देखो बेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस में माइनस करो तो कितना, 20,000, हाँ, ना तो यहाँ पे टैक्स है, हाँ सर हाँ, ना यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ना डिविडेंड कुछ नहीं, तो बस जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वही ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई, कुछ इसमें वो नहीं है,
इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, मुझे यहां पे प्लस माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। क्या मैं सच बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना मैं? ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सच है सच है सर, ये बात बिल्कुल सच है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस सर यस सर। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है देखो सर, ये गिवन है एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, अगर किसी ने मुझे बोला कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, एड्रेस बता देना बेटा, घर पे आके पिटाई करूंगा। ठीक है, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत डिटेल में इसकी कहानी सुनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली, है ना? देखो, अगर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो बेटा मैं ये निकाल सकता हूं कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है। ऑफकोर्स सर, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना? स्टार्टिंग में मेरा टोटल डेप्रिसिएशन 30,000 था, एंड में 40,000 है, तो जो 10,000 से इंक्रीज हुआ है, ये मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है। समझाया? इन्वेस्टिंग में बहुत पिटाई करूंगा। ठीक है सर, यहां पे लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ठीक है सर, कितना? 10,000। बेटा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, समझ लो। ठीक है सर, उसके बाद गुडविल, देखो गुडविल का अमोर्टाइजेशन आ सकता है। हाँ, अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में गुडविल 38,000 की है, हाँ, एंड में 30,000 की हो गई, तो क्या वैल्यू कम हो गई? हाँ सर कम हो गई, हाँ सर हाँ बिल्कुल कम हो गई, तो 8,000 से कम हो रही है, यस। तो दिस इज गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड सर कितना? 8,000। और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, बाकी सब क्या है सर? बाकी सब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है। तो ये मेरा आ गया क्या सर? ये मेरा आ गया है दोस्त, इसको मैं क्या बोलता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस सर कितना आ गया, कितना आ गया? 20,10,38। अब मुझे इसमें क्या करना है? बस वही कहानियां, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की कहानियां। अब सुन लो ध्यान से, देखो देखो सबको साफ कर दो। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं एक एक करके। स्टार्टिंग में 31 है, फिर 25 है। आप बताओ, करंट एसेट कम हो रहा है मतलब पैसा मिला होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ऐड कर दो ऐड कर दो ऐड सर। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, यस। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा इनफ्लो होगा सर। सर कितने का, कितने का? 6,000 का, 6,000, 6,000 ठीक है सर। इसके बाद हमारा इन्वेंट्रीज सर, इन्वेंट्रीज अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग में 60,000 है और फिर 80 हो गई, तो क्या हमारा करंट एसेट बढ़ गया है? हाँ सर हाँ। तो इसका मतलब आउटफ्लो सर, इसका मतलब 20,000 की इन्वेंट्री आपने ज्यादा खरीदी है। जो भी है, हमने बेटा लॉजिक समझ लिया कि करंट एसेट कम होते हैं तो प्लस करना है, जितने से कम हो रहे हैं, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करना है। तो बस बस बस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखता हूँ, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ओके, हाउ मच, हाउ मच? 20,20,20,20 ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी होती है करंट वाली, करंट वाली ठीक है सर ठीक है। स्टार्टिंग में 21,000 है, ठीक है, एंड में 12,000 हो गया, तो सर ये 9,000 से कम हो गई। मुझे बताओ, अगर करंट लाइबिलिटी कम होती है तो माइनस होगी, आपने पेमेंट करी है ना? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस, बिल्कुल। एसेट का बढ़ना माइनस, तो लाइबिलिटी का कम होना माइनस। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? अरे अरे अरे, डिक्रीज इन, बेटा कभी कभी मैं बहुत गंदे गंदे जोक्स मारता हूँ, हंस लिया करो। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके सर, 9,000, 9,000 नहीं, 9,000 सर, 9,000, 9,000 नहीं, 9,000। अब देखो गुडविल तो हो चुका है सर, उसको छोड़ दो। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है करंट एसेट सर, स्टार्टिंग में 2,000 रुपए का था, फिर 1,000 रुपए का हो गया। क्या करंट एसेट कम हो रहा है? हाँ सर कम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, 1,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो ऐड होगा डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके बेटा, अगर आपको कभी दिक्कत हो ना ऐसे इसमें, तो मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करता हूं कि फटाफट से ना रफ में लिख लिया करो एक चीज, क्या कि भाई मुझे पता है डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, जल्दी से लिख लो। हाँ बस इसके अकॉर्डिंग बाकी तीन लिख लो। कैसे सर? देखो, अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो भाई करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज क्या होगा सर? माइनस होगा, ठीक है। अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट एसेट का जो इंक्रीज है वो माइनस होगा, और सिमिलरली करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज प्लस होगा।
फटाफट से लिख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। ओके सर, ओके, आ जाओ आ जाओ। सर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा अभी, 1000 रुपये का ऐड करना है। कलर हमें चाहिए ब्लू 1000, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल्स मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी। सर स्टार्टिंग में क्या है 19000 की, फिर हो गई 13000 की। सर 19000 से 13000 हो गई, हाँ सर हाँ। अब बेटा इसका मतलब करंट लाइबिलिटी कम हो रही है। सर कितने से, 6000 रुपये से। कितने से बेटा, 6000 रुपये से। अगर करंट लाइबिलिटी 6000 रुपये से कम हो रही है तो बताओ 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 इसका मतलब आपने पेमेंट करी होगी, हाँ सर हाँ। करंट लाइबिलिटी अगर कम हो रही है, देखो 19 से 13 हो रही है, तो मुझे बताओ सर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस कितने से बेटा, आपके 6000 रुपये से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, स्टेप नंबर 3 आपको समझ में आ गया है ना। बस हमारी ऑपरेटिंग खत्म होने वाली है, यस सर यस, लेकिन मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, आ जाओ सर। 38000 था हाँ, प्लस 6000 प्लस 1000 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 6 सर 10000 आ रहा है। सर ये हमारा पॉजिटिव का 10000 आ रहा है, मुबारक हो बेटा मुबारक हो, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। यस नो, हाँ अब मेरी बात सुनेंगे फटाफट से। देखो सर इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बेटा अब आपकी छोटी छोटी चीजें बची हैं। सर जैसे मैंने आपको क्या कहा था, जो चीजें एंड में होनी है, क्या होनी है एंड में, जैसे टैक्स वाला, तो जो आपने टैक्स पे कर रखा है वो यहां से माइनस होगा, लेस टैक्स पेड। सर टैक्स की कहानी आपको सुनानी है, हाँ बेटा मैं सुनाऊंगा, अब मेरी बात सुनो। मुझे पता है बेटा लेक्चर 1.5 घंटे से भी ऊपर हो चुका है, अराउंड 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है, राइट, ठीक है। तो अभी हम आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, हमारा मेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग खत्म हो चुका है, मेन खत्म हो चुका है, हाँ सर मेन खत्म हो चुका है। छोटी मोटी चीजें जो बची हुई है, जैसे टैक्स पेड बचा हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट बचा हुआ है, बस वही बचा हुआ है, बाकी सब हमारा खत्म हो चुका है। ये सुनो, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो में और ले आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सुनो, तो मान के चलो कि मेजरली हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग समाप्त हो चुका है। ये बोलो हाँ या ना। आई होप बेटा आपको एक एक चीज का लॉजिक समझ में आया होगा। बेटा अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, देखो पहली बात तो ये, ठीक है, कि अगर डेली एक एक घंटे की वीडियो आ रही है, कभी 1.5 घंटे की आ रही है, कभी 40 मिनट्स की आ रही है, तो बेटा डेली वीडियोस बनाना, कैमरे से बात करना आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है, आप खुद भी देख रहे हो, आपको फील होता होगा कि सर मजे लेके पढ़ा रहे हैं, तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप भी मजे लेके पढ़ो, है ना। और अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा आपको मजा आ रहा है, आपको वीडियो को लाइक करना, इतना तो आप मुझे मोटिवेशन दे सकते हो, हाँ सर कि मुझे मजा आ रहा है, अब वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बात करो ना, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। सिलेबस खत्म होने वाला है यार, हो गया ऑलमोस्ट, बस 99% हो चुका है, 1% रह गया, अगले 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों का शेयर करें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ऑफकोर्स मिलेंगे भाई, राइट। और जैसे कि आपको पता है कल हमारा लाइव फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है। सर क्या शुरू हो रहा है, फास्ट ट्रैक बैच, सिलेबस हमारा यहाँ पे भी खत्म हो चुका है, तो अगर आप चाहो तो आप मेरे फास्ट ट्रैक बैच में आ सकते हो, जहां पे हम लाइव 1.5 से 2 घंटा डेली रिविजन्स करने वाले हैं, राइट। यूट्यूब पे वन शॉट्स आते रहेंगे, हम रिविजन्स करते रहेंगे, लेकिन वहां पे अगर आप डेली लाइव पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक मिलेगा बेटा डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है। ये सुनो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, ठीक है।